इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन हमें अपना घर बचाने के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। मुझे लगता था ऐसा तो सिर्फ झोपड़पट्टी वालों के साथ होता है। सरकार तो उनके घर तोड़ती है, हम तो डिसेंट लोग हैं, वोट देते हैं, टैक्स भरते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है हमारे पास। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। वेल गेस व्हाट, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। कुछ ही देर में हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब गवर्नमेंट डिसाइड कर लेना कि उसको आपकी लेनी है, तो आपका कंसेंट मैटर नहीं करता। यू विल बी फक्ड एंड हाउ। समर ऑफ 2011 में कभी भूल नहीं सकता। उस साल 12th बोर्ड्स के बाद मैंने जॉब कर ली और जब पैसे जमा हो गए तो मैं अपने लाइफ की फर्स्ट बैकपैकिंग ट्रिप पे अमेरिका गया। अमेरिका, वहां जाकर समझ आया लाइफ किसे कहते हैं। वंश, सोया ही नहीं क्या तू? चल जल्दी से तैयार हो जा, जाना है ना। वापस आया तो मैंने रियलाइज किया इंडिया में लाइफ कितनी शिटी है। यहाँ हम मिडिल क्लास लोग घिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, उबलते रहते हैं। #lifesucks। मॉर्निंग, जग गया तू? मैं स्लीप वॉक कर रहा हूँ। पॉटी करते वक्त मत करना। ओ वंश बेटा, जरा इस्त्री और आयरनिंग बोर्ड ला दे पुत्र। यस दादू। पापा जी, हैप्पी बर्थडे। नमस्कार। हैप्पी बर्थडे दादू। कितने साल हो गए? अरे भाई, सेंचुरी में 18 साल बाकी। क्या बोल रहे हो? चीनी डाली? सेंचुरी मारनी है तो नो चीनी। अच्छा यार, आज भी आप कोर्ट जाओगे? मेरे जन्मदिन पे गवर्नमेंट ने अभी तक नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर नहीं किया। हाँ बंच, चल लेट हो रहा है, चल 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 जल्दी चल। बंच, पापा जी का गिफ्ट आज शाम तक कर दूंगा। कारपेंटर को बुला लो ना। तेल ही डालना बाकी, मैं खुद कर दूंगा। यहाँ तो हर चीज के लिए फाइट मारनी पड़ती है। जैसे मॉम 100-200 रुपए बचाने के लिए रोज सुबह 1 घंटा ट्रैवल करके होलसेल मार्केट आती है। भैया, आज कितनी पुरानी सब्जी बेच रहे हो? हाँ, ये जो टमाटर है ना, ये तो अंग्रेजों के जमाने के हैं। 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर। बॉस, मुझे ऐसे नहीं जीना है। मुझे जाना है अमेरिका। That's where the future is। यहाँ क्या रखा है? मॉम, आपने पापा से बात की? अरे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के बारे में। वॉशिंगटन स्कूल ऑफ बिजनेस। मॉम, हाँ भाई, एंड पर FD स्टोर देंगे और अगले महीने मेरा भी PPF मैच हो रहा है। हो जाएगा सब, यू चिल आउट। ओ चिल आउट एंड ऑल। तो अब मेरा बेटा जाएगा अमेरिका, तो मैं भी एक्सेंट मारूंगा। गुड मॉर्निंग अंकल। अगर आज मेरे पापा का बिजनेस होता तो मैं भी यहाँ कुछ उखाड़ लेता, बट माय पापा डियर ब्लू इट। भाई जरा तेजी से चलिए, तेजी थे। अच्छा खासा ट्रैवल बिजनेस था, लेकिन 5 साल पहले उनके दिमाग की टर्बुलेंस की वजह से बिजनेस क्रैश कर गया। What a loser. That's no, भाई, 5वें माले पे 3-4 हैं, अच्छे से जरा सा धार कर दो, ठीक है? तो बिजनेस ठप हो जाने के बाद घर चलाने के लिए पापा डियर ने नौकरी कर ली, मॉम ने टिफिन बिजनेस शुरू कर दिया और मैं अपनी लाइफ बनाने के लिए यहाँ से कल्टी। गुड नाइट। अमेरिका में मैनेजमेंट प्रोग्राम करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। शॉर्ट में MC, मां चुदा मैं चला। भाजी पण झाली हां? हो, बॅटरी डाऊन कर तुझी आज। चल लक्ष दे लवकर आणि भरभर कर। हो हो देवा। हां बोल। वो पापा जी के लिए ऑनलाइन गिफ्ट सर्च कर रहा हूं। अच्छा, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। डब्बा फिर गिर गया। सॉरी यार। नहीं कोई बात नहीं, चल मैं राधा कृष्ण से मेदू बड़ा ऑर्डर कर दूं। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कि शाम को येलो ड्रेस पहनूं। ये वो रेड वाली पहनना जो अमित के बेटे की वेडिंग में पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। अरे उसमें 2 बार मेरी फोटोज छप चुकी है फेसबुक पे। बाद में सोचे कि इसके पास कोई दूसरी ड्रेस नहीं है क्या पहने। अच्छा चल येलो वाली पहन ले, तू तो हर ड्रेस में अच्छी लगती। सुन, हिना से बात हुई क्या?
मतलब व्हाट्सएप कर लिया है मैंने, आ जाएंगे वो दोनों डायरेक्टली होटल पर, डोंट वरी। ओके चल बाय बाय। अच्छा एक और बता। जी सर। इन दोनों फोन में क्या डिफरेंस है? सर ये वाला जो फोन है ये फेस रिकॉग्नाइज करके ओपन होता है और ये वाला फिंगर रिकॉग्नाइज कर। ये फेस वाला तो 1 लाख का है ना? जी। यानी ये पापा जी कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा यूजर फ्रेंडली चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, ये ठीक रहेगा फिंगर टच वाला। जी सर, ऑर्डर कर दो सर आपके लिए। यार ये ऑनलाइन वाला मामला बड़ा डाइसी होता है, मोबाइल के डब्बे में साबुन भी भर के भेज देते हैं कभी। मिस्टर सेठी, बॉस आपको बुला रहा है। ओके जी। और वैसे भी पापा जी का बर्थडे आज है, मॉल से ही मिल पाऊंगा। जी सर। थापर फैमिली की कंप्लेंट पड़ी आपने? ट्रैवल ऑन रुइंड अ ट्रिप टू जॉर्जिया। व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ फैमिली वेकेशन टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रिप टू हेल एंड बैक। जॉर्जिया इमिग्रेशन ने उन्हें तिब्लिसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया, इसमें अपनी ट्रैवल एजेंसी का तो कोई फॉल्ट नहीं है। उन्हें डिपोर्ट क्यों किया? ई वीजा रिजेक्ट कर दिया उनका। आपने उन्हें ई वीजा दिलवाए क्यों? डिपार्चर से पहले डबल चेक करते? इमिग्रेशन अपनी गवर्नमेंट का ई वीजा रिजेक्ट कर देंगे तो सोच भी नहीं सकता था, बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। मिस्टर सेठी, हमारा तो काम ही अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करना, ताकि हमारे किसी भी क्लाइंट का वेकेशन बर्बाद ना हो। सर अब कौन सोच सकता था? इट डजंट मैटर हूज राइट और रॉन्ग, बट द बक स्टॉप्स ऑन अस। लिसन, एक बात। क्या बात? चलिए लेट्स गो बैक इन टाइम, जब ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट स्टार्ट हो रही थी, ट्रैवल एजेंसीज का जमाना था, आपकी खुद की फ्लरिशिंग ट्रैवल एजेंसी सेठी ट्रैवल्स के आप बॉस थे और मेरे डैड आपके एम्प्लॉय। मेरे डैड जब आपकी कंपनी में काम करते थे तो आपको बॉस कम गुरु ज्यादा समझते थे, उन्होंने आपसे ही सीख कर ये सब ये ट्रैवल ऑन स्टार्ट किया। और जब आपका बिजनेस ठप हुआ और आपको काम की सख्त जरूरत थी, उन्होंने इमीडिएटली आपको यहाँ जॉब ऑफर करी, राइट? बट दैट डजंट मीन कि आप सिली मिस्टेक्स करें। डू यू अंडरस्टैंड? I do. Thank you for understanding. And please make sure कि ये चीजें दोबारा ना हो। You can go now. Thank you. मिस्टर सेठी, आज के दिन तो छुट्टी ले लेते। कहीं खास है क्या सर? वार दिवस है आज। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डिसाइन। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। कलाकृति सोसाइटी को फरवरी से लेकर मई तक इन 4 महीनों में सिर्फ 7 दिन पानी मिला, बाकी के दिनों उन्होंने वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने इस बिल्डिंग को 4 महीने का बिल भेज दिया है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स योर ऑनर। योर ऑनर, जब पानी मिला नहीं तो बिल किस बात का? मेरी आपसे गुजारिश है कि आप म्यूनिसिपैलिटी को कहें कि ये बिल वापस ले ले। मिस्टर फुलके, अतः तुम्हें सांगा। पानी इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि कलाकृति सोसाइटी कंप्लीटली अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है सर। अरे ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये केस ओवर बिलिंग का है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर फुलके, अगर पूरी सोसाइटी अनऑथराइज है तो फिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लिया गया है सर। बीएमसी ने 2 नोटिसेस भेजे सोसाइटी को। पहला नोटिस 5 सितंबर 1995 को और दूसरा नोटिस 9 जून 1999 को गया है सर। सिर्फ नोटिस भेजने से म्युनिसिपैलिटी की जवाबदारी पूरी हो जाती है क्या? इसीलिए तो मुंबई में आधी बिल्डिंग्स इलीगल है। कैन आई से समथिंग योर ऑनर? यस प्लीज। पिछले 22 साल से योर ऑनर इस सोसाइटी में 100 से ज्यादा फैमिलीज रह रही हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं योर ऑनर। उससे वो सोसाइटी लीगल नहीं हो जाती। सेक्शन 53 ऑफ महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के अनुसार कलाकृति सोसाइटी पूरी तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। कोर्ट म्युनिसिपैलिटी को ये ऑर्डर देती है कि कलाकृति सोसाइटी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, टू बी डिमोलिश विद इमीडिएट इफेक्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Come on, Dadu, blow the candle. Happy birthday, dear Papa Ji. Yay!
लेट्स डिमोलिश दिस केक दादू. बहुत अच्छा केक लाई भाभी. थैंक यू भाभी. पापा जी ये देखिए फोन. देखा मैंने कहा था ना कि पापा जी को गिफ्ट करने से पहले एक बार हिमांश भैया से जरूर पूछ लीजिए. क्यों क्या हुआ भारती? खरीदे भी पापा जी के लिए गिफ्ट में फोन ही लाए हैं. अरे तो क्या हो गया? पापा दो दो फोन का इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें क्या है. अरे वाह दादू, दो दो फोन. पापा ये देखो ये नई टेक्नोलॉजी का फोन है, इसके सामने चेहरा लाएंगे ना तो ये खुल जाएगा. फेस रिकॉग्निशन. अरे भाई ये दो दो फोन मैं क्या करूंगा इनसे. हाँ दादू आप ये फेस रिकॉग्निशन वाला मुझे दे देना. Why you want that phone? बर्थडे पे दिया था ना नया. I have given you a new phone on your birthday. अरे हिमांश कम मत कर तो ये तो. मुझे क्या था? मैं भी बाथरूम में जाता हूँ. केक खाते. पेरेंट्स पुराने मोबाइल फोन्स की तरह होते हैं, जल्दी आउटडेटेड हो जाते. लेट इट गो. जो क्रैक कर रहा था यार. एक तो इंडिया में किसी को सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझ में नहीं आता है. मेरा मूड खराब होता ना तो मैं यूएस के बारे में सोचता. भाभी हिना क्यों नहीं आई? बिजी होगी. न्यूली मैरिड है. हाँ अभी भी तो शादी हुई है उसकी. अब न्यूली मैरिड कपल को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना. लोन अरे भाई साहब मैं दे रहा हूँ ना. जिद मत करे यार. अरे भाई साहब यहाँ पर सबको लाने का आइडिया किसका था? बड़ा कौन है भाई साहब? जिद मत कीजिए मैं दे रहा हूँ ना. क्यों तुझे क्या लगता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी? तू नहीं समझेगी. तो समझाओ ना मुझे. हृदय का गिफ्ट तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा महंगा था तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया और लगेज 15,000 का बिल भर दिया. अगले महीने हमें फ्रेंच की अमेरिका की फीस भरनी है. 25,00,000 रुपए का इंतजाम करना है. वो तो जमा नहीं हो पा रहे. बाबा गलती हो गई. इमोशनल हो गया मैं. काश मैं तुम लोगों को वो लाइफ दे पाता जो हृदय अपनी फैमिली को देता है. वंदना अगर सेठी ट्रेवल्स बंद नहीं होता ना तो मुझे साला 50,000 रुपए की नौकरी नहीं करनी पड़ती. तुझे वो सवेरे उठ के वो टिफिन नहीं बनाने पड़ते. हिना की शादी तरीके से करते वंश भी आराम से अमरीका चला जाता. मैं तो फेल हो गया यार. हिमांश 27 साल हो गए हमारी शादी को. एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब रोज सुबह तुम मेरे लिए चाय बनाते हो तो मैं सोचती हूँ कि तुमसे अच्छा चाय बनाने वाला पति मुझे मिल ही नहीं सकता था. शब्द गोल्ड मेडलिस्ट और मेरा काम कोई मजबूरी नहीं है. मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना. तुम्हें पता है मेरे टिफिन वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे आज क्या मस्त कमेंट्स मिले मुझे. आज पंजाबी कढ़ी बनाई थी ना मैंने. देखो इसने क्या कहा. आंटी कढ़ी पकौड़ी वाज ऑसम. ऑसम की स्पेलिंग OSUM. देखो आती नहीं है. श्वेता ने 3 थम्स अप दिए. कभी देती नहीं है ये. बहुत खड़ूस है. समीर देखो कौन भरा रहा है. पापा जी देख रहा हूँ मैं. सब ठीक तो है ना? तुम लोग डिनर पे क्यों नहीं आए? हीना कहाँ है?
हिना यहाँ नहीं है? नहीं। एक डिसिप्लिन देना बेटा। उसने कहा था कि वो यहाँ आएगी। हिना कहाँ है? रात को हमारा झगड़ा हुआ, गुस्से में आके घर छोड़ के निकल गई। मुझे लगा यहाँ पे आए होंगे आप लोगों के पास। झगड़ा तेरा कल रात को हुआ, तू इन्फॉर्म करने अब आया? फोन। हाँ लगा रही। मैंने कॉल किया था आंटी, उसका नंबर ऑफ है। कल रात ही हमें बता देना चाहिए था ना। मैं आकृति को फोन लगाती हूँ। हेलो आकृति, बेटा हीना है क्या तुम्हारे घर? अच्छा ठीक है। तूने उसे जाने क्यों दिया भाई? मैंने रोकने की कोशिश की थी अंकल, लेकिन आपको तो पता है आपकी बेटी कितनी स्टबर्न है। पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस भी 24 घंटे तक मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। डोंट टॉक नॉनसेंस नाउ। बट आई डोंट थिंक वो किसी फ्रेंड के यहाँ जाएगी। फिर कहाँ जा सकती है? होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं। होटल में चेक करने की तुक्की नहीं बनती है। चेक करने में बुराई क्या है? ओके पापा। हीना पालकी के घर है, चलो उसे लाने जाते हैं। चलो 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 चल आइए चलो। देखो बेटा, नाराज मत होना, डांटना मत, प्यार से बात करना। जी पापा जी। जी आइए सर। जल्दी में सेडी फैमिली आ भाई चल। हीना बेटा तू ठीक है ना? हाँ तू घर क्यों नहीं आई? व्हाई डिड यू कम होम? पापा से बोलो जाए यहाँ से। हीना कम ऑन यार। पापा जस्ट टेल हिम टू लीव। नहीं शट अप। ओके अरे चिल्ला और चिल्ला। चिल्लाने के अलावा और आता क्या है? और भी और चिल्ला। फक ऑफ बोला था ना मुझे? नाउ यू फक ऑफ। देख रहे हो आप, ये प्रॉब्लम है आपकी बेटी की। खुद तो दिन भर गायब थी, हम सबको हार्ट अटैक देकर अभी एटीट्यूड दे रही है। टेक इट इजी। ओके अरे क्यों, शी इज माय वाइफ। ओके एंड शी इज माय सिस्टर। व्हाटएवर मैन। ऋषि बेटा अभी तुम जाओ नीचे। बट पापा मैं जा ना यार। चल ना जा। चलो बेटा है ना अपने घर चलो। अरे केस कर दूंगा मैं मेंटल टॉर्चर करने का। उस हरामजादे को कहना मेरे सामने मत आए, मना कसम से मैं उसकी उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सबने कहा था उस अल्कोहलिक से शादी मत कर, एक बार तो डिवोर्स हो चुका है साले का। Why did you marry him? चुप कर ना मंच। मुझे पता था आप लोग सब मुझे आई टोल्ड यू सो वाला ही लेक्चर सुनाओगे, इसलिए मैं पालकी के घर गई थी। एटलीस्ट वो मुझे जज तो नहीं करती। आई नो आई स्क्रूड अप। ओके आई नो। अच्छा लगा था मैं उसे चेंज कर दूंगी, प्यार उसे चेंज कर दिया। स्टुपिड हूँ मैं, एक नंबर की गधी हूँ, स्टुपिड हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब जो हो गया उसे भूलो। गलती हो गई तूने ऋषि से शादी की, बल्कि गलती तू ये भी कर रही है ये सोच के कि मम्मी पापा तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। हीना वंश, तुम दोनों एक बात याद रखना, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी अड़चन आए, तुम दोनों का अपना एक घर है और हमेशा रहेगा। अच्छा सब ठीक हो जाएगा, बड़ी स्ट्रांग बच्चे हैं तुम, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी यार। चाय पी ले। सॉरी साहब जी, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो पास वाले रेस्टोरेंट से ही ना मेरा वॉलेट चोरी हो गया था जी। अरे कोई बात ना, टेंशन ले दो। हाँ भाई अखाड़े, आज किस चीज का नोटिस लेकर के आए हो? डेमोलिशन का। डेमोलिशन?
थोड़ा टोपी पहन के निकला करो। और भाई चलो क्या हो रहा है? अब म्युनिसिपैलिटी से आएंगे नोटिस लगाने। आइए आइए। अरे भैया ये क्या नोटिस लगा रहे हैं आप? अरे ब्रदर क्या ये सुबह से नोटिस के चक्कर में पड़े हो? मेरे साथ आओ, आपको बढ़िया सी चाय पिलाता हूँ। आओ मेरे साथ। चाय आप ब्रिजमोहन सेठी जी को पिलाइए। वही गए थे ना कोर्ट में म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ केस करने। जज ने उल्टा डेमोलिशन नोटिस ठोक दिया है, अब भुगतिए आप सब लोग। अरे ब्रदर बात क्या नया पंगा डिमोलिशन का?